अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग मुझे देख या सुन पा रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आंध्र प्रदेश की सभी 5 करोड़ आवाम को दिल से शुक्रिया और आदर करना चाहती हूँ, जो बड़े ही बहादुरी के साथ इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी का डांट के सामना कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि अपने डॉक्टर समाज का, हमारे पुलिस फोर्स का और हमारे काम सफाईयों का और हर उन लोगों का जो अपने जान को झुकी में डाल के हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री श्री YS जगनमोहन रेड्डी जी को भी अपना धन्यवाद कहने चाहती हूँ कि जो लगातार हमारे आंध्र प्रदेश की आवाम के लिए कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ईश्वर से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें ईश्वर कोरोना पे जीत पाने की शक्ति दे। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस पवित्र रमजान का महीने में इस खुशी की मौके पर मैं अपनी मुस्लिम भाइयों और बहनों का दिल से बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश भी करना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री YS जगनमोहन रेड्डी जी के सुझाव और निर्देशों का पालन करें। रमजान के इस पावन महीने में प्रार्थना करते समय यानी इफ्तार के समय लोगों को इकट्ठा ना करें और कोशिश करें कि अपने घरों के अंदर कम से कम लोगों के साथ त्योहार मनाए गए और मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी ना होने। मैं समझ सकती हूँ कि आप सबके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे गंभीर के समय गंभीर के फैसला लेना होगी जिससे हम सब सुरक्षित रह सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे साथ हैं। मैं एक बार इन सभी को रमजान की मुबारकबाद देती हूँ और इस संकट के घड़ी में हमारा साथ देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं आपकी विधायक MLA आपको आश्वासन देती हूँ कि आपके हर समयों में सुनने के लिए और उनके निवारण के लिए हमेशा आपकी सेवा में हूँ। मुझे धैर्य से सुनने के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।